नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। बसना विधानसभा के गोपालपुर में भेंट मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, आप भी सुने। गोपाल के सबसे पहले शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोपालपुर के भवन का उन्नयन कराया जाएगा, ठीक है। नगर पंचायत किसौरा में गौरव पथ का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम निमरा के हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन कराया जाएगा। अभी वो सरपंच का उधर बिल्डिंग स्कूल बिल्डिंग 1928 वाला ला, उधर भी नवा बिल्डिंग बनाया जाएगा। लाखागढ़ से राजसवैया कला तक सड़क निर्माण कराया जाएगा और बसना को राजस्व अनुभाग का दर्जा दिया जाएगा और बाजार स्थल में चबूतरा से निर्माण कराया जाएगा। और विधायक जी तुम्हें बड़े मांग करे, देवगांव जलाशय में नहर जीर्णोद्धार और नहर लाइनिंग के कार्य एकरो घोषणा करा था और बाघ नदी पर यही तक निर्माण के मांग करे ओकरो घोषणा करा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन पहुंचकर वहां शिरकत की, जहां उन्होंने सुशासन समागम पर युवाओं से बातचीत की। इस दौरान कैलाश विश्वास सारंग ने भी शिरकत की। इस दौरान विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे। क्या कोई व्यक्ति करता है तो और सामाजिक बुराइयों से भी जुड़ता है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी आई है कि हुक्का लॉन्च में अनर्गल काम हुए हैं, लगातार नशे की आदत युवाओं को डाली जा रही है। हमारी सरकार ने पहले भी इस पर कार्रवाई की थी, पर कार्रवाई से ज्यादा जरूरी है कि हम ऐसा कानून लाएं कि इस तरह के हुक्का लॉन और इस तरह के प्रकल्प जहां युवाओं को नशे की आदत डल जाती है उसको रोका जाए। इसलिए हमने कल कैबिनेट में इसको पास किया है। माननीय राष्ट्रपति जी के पास ये सहमति के लिए जाएगा और पहला राज्य मध्य प्रदेश बनने वाला है जो हुक्का लॉन्च पर प्रतिबंध लगाएगा और कानून। एमपी बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर तो वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कटाक्ष लगातार सामने आ रहे हैं। इंद्रगढ़ ले चलो, सरकारी बस नहीं है अपने लिए गई। अब तुम्हारी कितनी ओढ़ते हो तुम। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे। यहाँ पर नगरपालिका विधि चतुर्थ संशोधन विधेयक एक लाया गया है। इसमें यदि कोई जानबूझकर लापरवाही पूर्वक पशु को सार्वजनिक स्थान पर खुला छोड़ता है, किसी व्यक्ति की संपत्ति का नुकसान या न्यूसेंस से हम देखते हैं सड़क पर काफ़ी बड़ी संख्या में जो पशु आ जाते हैं उसके कारण से काफ़ी दिक्कत होती है आवागमन में भी और वैसे भी। इन सारी बातों को लेते हुए आज एक विधेयक को मंजूरी दी है जिसमें जुर्माने की राशि ₹1,000 की गई है। आज एक
गृह विभाग के द्वारा हुक्का बार लाउंज प्रतिबंध किए जाने वाला विधेयक भी यहां पर कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित किया गया। युवाओं के लिए 13 जनवरी को हमारी यूथ पॉलिसी आने वाली है और इसके लिए भी आज मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से, कॉलेजों में बॉक्स लगाने के लिए जिससे युवा सीधी भागीदारी कर सकें युवा पॉलिसी में अपने सुझाव देने के लिए, स्पोर्ट के लिए क्या करना है ये भी सुझाव हमारे युवाओं के आ जाएंगे, रोजगार के क्षेत्र में युवा क्या सोचते हैं क्या कहते हैं ये सारे सुझाव हमारे आ जाएंगे और 13 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी यूथ पॉलिसी को जारी करेंगे। आज कैबिनेट में जो 1,00,000 नौकरियों का तय किया था उसका ब्यौरा भी कैबिनेट के सामने आया। 29,000 हमारे शिक्षा विभाग के शिक्षकों की प्रक्रिया पूर्णता की ओर है। 6,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गई है। कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा इस तरह से 53,000 उनके द्वारा हैं। अगर हम कुल पदों की प्रक्रिया देखें जो प्रक्रियाधीन है, जिनकी वैकेंसियां निकाली गई, जिनकी भर्तियां पूरी कर ली गई, जिनकी भर्तियां होने वाली हैं, ऐसी 88,750 रिक्त पदों की प्रक्रिया पूर्णता की ओर बढ़ रही है। 15 अगस्त तक हम सभी शासकीय सेवा में रोजगार देने से संबंधित इस 1,00,000 भर्ती। कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का विवादित बयान सामने आया, इसमें वे कथित तौर पर पीएम मोदी की हत्या की बात कह रहे। हालांकि बाद में पटेरिया अपने बयान से पलट गए। उन्होंने बातचीत में कहा कि उनका मतलब था कि अगले चुनाव में मोदी को हराओ। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये फ्लो फ्लो में हो जाता है। हालांकि बीजेपी नेताओं ने इस वीडियो को शेयर कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। देखिए, कांग्रेस के नेता ने जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया, कल मैंने कहा था कि जिस प्रकार की स्ट्रेटेजी और प्रधानमंत्री की हत्या की बात कोई करे ये सामान्य घटना नहीं है। इसको सरकार ने गंभीरता से लिया है और उस पर कड़ी कार्रवाई प्रारंभ हुई है। और उनसे सारी बातें कि ये उन्होंने कॉन्स्पिरेसी और किस प्रकार से ये अंजाम देने का वो प्रयास कर रहे थे, उनके साथ कौन इसमें जुड़ा हुआ है, किन के इशारे पर इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने की है, इसका प्रशासन अपना काम करेगा। और कानून के तहत जो बातें होंगी उसमें कानून के तहत उनके खिलाफ। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पहुंचे। उन्होंने गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल की विशेष पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। देवेंद्र फडणवीस ने पारंपरिक धोती और शोला पहनकर गर्भगृह में प्रवेश किया। यहां पर बाबा महाकाल का जल और दूध से अभिषेक कर आरती की। पूजन अर्चन के बाद वो नंदी हॉल में शिव आराधना में लीन दिखाई दिए। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि वर्षों से बाबा महाकाल के दर्शन करने आ रहा हूं। जबलपुर से खबर है जहां आपको बता दें कि शासन के द्वारा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए समर्थन मूल्य पर जगह जगह वेयर हाउस में धान की खरीदी की जा रही है, लेकिन खरीदी केंद्रों पर व्यवस्था न होने के कारण हजारों क्विंटल धान वेयर हाउस के बाहर खुले में पड़ा हुआ है। वर्तमान में मौसम की खराबी के कारण हजारों क्विंटल धान गीला हो सकता है, जिसका प्रत्यक्ष नजारा हिनौतिया भो स्थित वर्धमान वेयर हाउस में देखा गया। किसान हूँ, मैंने अपनी स्लाइड 5 तारीख को बुक कराया हुआ था और 4 तारीख को मैं अपना माल लेके तिलहरी सोसाइटी वर्धमान स्टोरेज में पहुंच गया था। 5 तारीख से कल 12 तारीख तक ना मेरी तौल हुई है और 12 तारीख तक डेट भी निकल गई है। और हम अगर स्लाइड बुक कर रहे हैं तो वो 30 तारीख के बाद की डेट आ रही है।
और मौसम भी ऐसा खराब है, बहुत ज्यादा किसानों के साथ समस्याएं आ रही हैं, कृपया निदान करें इस चीज का। अभी जो डेट आई है वो दूसरी फ्लाइट की बुक कराए हैं आपने अभी? हाँ, अभी कैंसिल करा के दूसरी डेट बुक करा रहे हैं, तो 30 तारीख के बाद की आ रही है, मतलब 15 दिन हमको इसी में परेशान होना पड़ेगा। 15 दिन ना हमारी तुलाई हो पाएगी ना हमारा वो हो पाएगा, वैसे भी हम एक हफ्ते से यहाँ पड़े हुए हैं, मौसम भी इतना खराब है कि चिंताएं रात दिन की बनी हुई है। तो आपने संबंधित लोग उनसे बोला, बोले सर्वर डाउन है, आपका माल अभी तुला नहीं है, इसलिए आपका माल चढ़ भी नहीं पाएगा बगैर तुले, तो डेट आप आगे बढ़ा लीजिए, यही समस्या आ रही है। नाम बताओ? विपिन साहू, बरेला। प्रदेश में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले आर्थिक आधार पर आरक्षण देने और एट्रोसिटी एक्ट के विरोध सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर करणी सेना ने मंगलवार को शहर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। रैली को देखते हुए पुलिस ने खासा इंतजाम किए हुए थे। हमारी 22 सूत्रीय मांगों के साथ करणी सेना परिवार और सर्व समाज द्वारा 8 जनवरी को एक जन आंदोलन है जो भोपाल के जम्बूरी मैदान में है, तो हम 8 जनवरी को सभी जम्बूरी मैदान में उपस्थित रहेंगे और हमारे जो मुद्दे और मांगे हैं, एक तो आर्थिक आधार पर आरक्षण, दूसरा एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन, जांच का नियम उसमें किया जाए, पहले जांच हो फिर गिरफ्तारी हो, स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों के फसलों के भाव तय हों, जो हमारा स्वर्ण आयोग बना हुआ है उसको सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए, इसमें किसान छात्र ये माना जाए कि सर्व समाज की मांगों को लेकर करणी सेना परिवार अपने हक अधिकारों के लिए वो आंदोलन कर रही है। 8 जनवरी को जो जन आंदोलन का आह्वान किया गया है उसमें करणी सेना परिवार के साथ में समस्त मातृशक्ति भी हर जिले में दौरा भी हो रहा है और सारे लोग इसी विषय पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक अच्छा विषय है। जो आर्थिक रूप से आरक्षण लागू करवाने की मांग है, पिछले 7 सालों से हम लगे हुए हैं। जातिगत आरक्षण को हटाना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है कि कोई भी जाति हो, गरीबी हर समाज में है, तो इसी विषय पर सबसे ज्यादा। एमपी में सरकार ने नशे पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए राज्य सरकार हुक्का लाउंज पर प्रतिबंध लगाने वाले संशोधन विधेयक को मंजूरी दे चुकी है। 2 अक्टूबर को राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि हुक्का लाउंज जैसी चीज मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेगी और आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाकर इन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। आज एक गृह विभाग के द्वारा हुक्का बार लाउंज प्रतिबंध किए जाने वाला विधेयक भी यहां पर कैबिनेट किया गया। आज एक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एमपीपीएससी 2019 की मुख्य परीक्षा एक बार फिर से करवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बता दें आपको कि एक बार फिर से करवाने के खिलाफ हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस नंदिता दुबे के सिंगल बेंच ने अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की व्याख्या आयोग ने मनमाने तरीके से की है। न्यायालय ने अपने आदेश में परीक्षा असंशोधित नियम 2015 के तहत करवाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि नई सूची में अनारक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनसे भी बातचीत की जाएगी। एमपी सरकार सरकारी स्कूलों का स्तर सुधारने की तमाम योजनाएं चला रही लेकिन व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की मनमानी से छात्रों का भविष्य अंधेरे में जा रहा। दमोह जिले में ऐसे ही 14 लापरवाह शिक्षकों को हाल ही में निलंबित किया गया है। एक साथ 14 शिक्षकों के सस्पेंड होने से विभाग में हड़कंप मच गया है।
नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राजा पटेरिया को आड़े हाथों लिया है। बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस को जमकर घेरा और कहा कि गांधी परिवार के इशारे पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी और राजा पटेरिया के बयान का समर्थन किया जा रहा है। तो वहीं उज्जैन में पैगामे इंसानियत सोसाइटी के द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता को स्थगित कराने के लिए उज्जैन एसपी को निर्देश दिए गए हैं। प्रतिपक्ष समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो मीन बताया है उसको तो समझा ही नहीं। नेता प्रतिपक्ष पहले मीन का मतलब तो समझाए, हत्या के मीन का मतलब हारना कैसे होता है ये तो बताएं। नेता प्रतिपक्ष का समर्थन नहीं है, नेता प्रतिपक्ष को दिल्ली से आया होगा ये बात कहने के लिए। गांधी परिवार का जो इटालियन कांग्रेस है उसने कहा होगा कि आप ऐसा कहो, उसके पक्ष में बयान दो। और नेता प्रतिपक्ष का बयान ये स्पष्ट रूप से कह रहा है कि उन्होंने अपराधी को प्रशय देने का काम किया है, अपराधी को सपोर्ट देने का काम किया है। जिस चीज की गोविंद सिंह जी को निंदा करना चाहिए उसमें वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी निंदनीय कृत्य है। मैं भी अचंभे में हूं कि मल्लिका अर्जुन खड़गे मौन है, सोनिया जी मौन है, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी सब मौन है। प्रधानमंत्री की हत्या का मामला है, स्पष्टीकरण जो दिया उनने कल कहा कि आई मीन, मेरा मतलब हारने से है। अब हिंदी के शब्द कोश में हत्या का मतलब हारने से कहीं भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस भी सप्त गढ़ती है। कमलनाथ जी ने कंडीशनल खेद प्रकट किया है, कंडीशनल। कमलनाथ जी अब ये ट्विटर पर चिड़ी मारी छोड़िए, कोई टिप्पणी ऐसी करते कि पार्टी से तत्काल निकालने की कार्रवाई होती तो शायद लोग इसको आपकी बात से सहमत भी होते। कमलनाथ जी आपका इस मामले में आचरण ऐसा ही है जैसे आप अपराध की तो निंदा करते हैं और अपराधी को शरण देते हैं। शाहरुख खान जो है मत्था टेक रहे वैष्णो देवी में, आमिर खान पूजा कर रहे हैं फिल्म सक्सेस के लिए, ये किस तरह का बदलाव? समाज अब जागृत हो गया है, ये बात इन सबको भी अगर समझ में आ गई है तो अच्छा है। सबको अपनी अपनी आस्था के अनुसार पूजा अर्चना करने का अधिकार है, जिसकी आस्था जिसमें है वो उसकी पूजा करें, लेकिन किसी की भावना को आहत न करें, इतनी सी बात। उज्जैन में एक निबंध प्रतियोगिता हो रही है मोहम्मद पैगंबर का, जिसमें एक क्लॉज डाला गया है कि गैर मुस्लिम भी जो है उसमें भाग ले सकते हैं, तो एक धर्मांतरण का एक नया तरीका कह सकते हैं। मेरे संज्ञान में ये विषय लाया गया था, उज्जैन में पैगामे इंसानियत सोसाइटी के द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें गैर मुस्लिमों को भाग लेने का कहा गया था। मैं भी नहीं समझ पाया इस प्रतियोगिता में ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन सा तरीका है। और भोपाल से खबर है जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की गिरफ्तारी पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 48 घंटे बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ का ट्वीट आ रहा है। राजा पटेरिया जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या की साजिश रची, उन पर कल FIR दर्ज हुई थी और आज सुबह पन्ना पुलिस ने दमोह जिले के हट्टा जहां पर वो रहते हैं वहां से उनको गिरफ्तार किया है। निश्चित रूप से राजा पटेरिया जी ने वो अपराध किया है जो कि कानून की परिधि में आता है। ये केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता का बयान नहीं है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ बयान नहीं है, बल्कि ये देश के प्रधानमंत्री की जान उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। और जिस प्रकार से राजा पटेरिया ने कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की मीटिंग के बीच उन्होंने जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि हत्या के लिए तत्पर रहो, तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी शक पैदा होता है कि क्या देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। मोदी जी तो पूरे देश में दौरा करते हैं, प्रवास करते हैं, तो क्या 10 जनपद से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में इस तरह की एक मुहिम चलाई जा रही है? क्योंकि
नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के कारण ये तो स्थापित हुआ ही है कि नरेंद्र मोदी जी के कारण कांग्रेस को कहीं स्थान नहीं मिल रहा राजनीति में। तो क्या वो नरेंद्र मोदी को रास्ते से हटाना चाहते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी की वो हत्या करना चाहते हैं? ये एक जांच का विषय है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी हम देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान परस्ती की बातें हो रही हैं। देश के खिलाफ जो सीहोर में चलती मारुति वैन में भीषण आग लगने से इलाके भर में हड़कंप मच गया। बता दें आपको कि वैन में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। वहीं मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। बता दें आपको कि आग लगने से वैन पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। जानकारी के मुताबिक जिले के छावर तहसील के ग्राम कल्याणपुरा में एक चलती मारुति वैन में अचानक आग भड़क उठी। आग उठते देख वैन सवार लोग कूदकर बाहर आ गए और एक साथ विस्फोट हो गई। ये मारुति वैन धू धू कर जलने लगी, जिसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना के बाद इछावर नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि मारुति वैन पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। मध्य प्रदेश से खबर है, जहां आपको बता दें कि अधीक्षक नवनीत भसीन और नवागत नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी के निर्देशन पर थाना प्रभारी सामान सुनील गुप्ता के नेतृत्व में दर्जनों वाहनों की चोरी का पर्दाफाश किया गया है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्यन।